ये इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता को धोखा देंगे कि इतने हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनमें से चुन लो, इन मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इंडिया गठबंधन क्या प्रमुख घटक है, अगला कदम क्या होगा इंडिया गठबंधन? अगला कदम ये है कि जाति जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जाति जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया, इधर कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था, नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस से स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जातीय जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? क्या लगता है विधानसभा चुनाव में? लेकिन उत्तराखंड में आपको आरोप लग रहा है कि वहां पर आप कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसलिए दूसरी सीट आ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे, उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ? अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रोकेगी। आज सबसे ज्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे हैं। और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना और उसका परिणाम यह है कि 50,000 हार हारी है भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन के बाद भारत, इंडिया का नाम भारत करने का एक सिकुड़ा छूटा। देखिए, ये बातें इसलिए हो रही हैं कि पहले नेताजी ने भी एक बार प्रस्ताव पास किया था विधानसभा में, उस समय बीजेपी के खिलाफ थी। जब नेताजी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा था उन परिस्थितियों के हिसाब से कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, उस समय बीजेपी ने खिलाफ थे, बीजेपी के लोग वॉकआउट कर रहे थे हाउस में। आज इन्हें भारत क्यों याद आ गया? ये भारत याद करें या कुछ और याद करें, इंडिया इस बार इनको हराएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा में आप गठबंधन करेंगे अभी विधानसभा चुनाव? नहीं, हमारा देखिए बहुत, हम बहुत क्लियर हैं, हमें किसी से कोई क्लियरिटी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टियां हैं, हमारे विधायक थे, हमारी पार्टी को वोट मिलता है, जो हम अपनी पार्टी को एसेस कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं आकलन करेंगे और वो बात रखी जाएगी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कि हमारी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, हम इनके पक्ष में आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि आपको वहां भी कुछ मांगना है। अब ये बात अलग, कोई बड़ी साजिश हो रही हो तो बड़ी बात है। रावण के एक उपासक है, उनकी बेटी को भाजपा ने टिकट दिया मध्यप्रदेश। देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी को ये बताना चाहिए आपको और सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से, दिल्ली में नए लोकसभा में एक नया बिल लेकर के आए महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, सीटों का आरक्षण मिलेगा उनको और नाम भी बड़ा अच्छा रखा उन्होंने। मैं ये जानना चाहता हूं जो अभी सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें महिलाओं को टिकट कितनी दी है? क्या महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? और फिर मध्य प्रदेश है और प्रदेश है, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, ये तो बीजेपी के लिए टेस्ट है कि अगर आपने लोकसभा में नारी सम्मान को लेकर के आपने इतना बड़ा फैसला लिया हो, क्या आप मध्य प्रदेश में 33% अपने संगठन की महिलाओं को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? अगर ये नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जानबूझ करके जनता में महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाए थे। अभी आपने कहा कि नई लोकसभा की बात की, पिछले दिनों जो भी सांसद के साथ हुआ आपकी पार्टी का भी समर्थन था उनको, वो हमारे ही सांसद है जी, तो उस मामले में ये कंफ्यूज मत रखिए जी, अगला स्टेप ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
जब जेडीएस के बड़े नेताओं ने कहा था तो ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं, ये अलग बात है कि उन्हें बीएसपी से टिकट मिला था, लेकिन वो सपा और बसपा के गठबंधन से थे। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, ये जानबूझ करके बुलवाते हैं और ऐसे से बुलवाते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलवाते हैं जहां से देश में संदेश जाए। लेकिन लोकतंत्र में और जो मर्यादाएं हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, चाहे भाषा से चाहे व्यवहार से। अपनी भाषा से व्यवहार से किसी को भी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि उन्हें आजीवन बैन लगना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हेट स्पीच में या किसी कानून के अंतर उसके अंदर उनकी सदस्यता चली जाती है, 5 साल की सदस्यता जाती है, 6 साल की सदस्यता जाती है। ये ऐसा काम किया है लोकतंत्र में जिसमें आजीवन इन पे पाबंदी लगनी चाहिए लड़ने की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।